भोजन करते हैं और वापस अपने निवास स्थान के लिए प्रस्थान करते हैं। ये क्रम वर्षों वर्षों से चल रहा है, लेकिन हमें से कई लोग ये महसूस करते हैं कि यह क्रम निरंतर चल रहा है, लेकिन फिर भी हम जिस स्थान पर हैं उसी स्थान पर हैं, ऐसा क्यों है? भानुभाई की सिस्टर सुधा, उन्होंने एक बड़ी मार्मिक बात कही थी, वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि आना, आरती पूजा करना तथा खाना खाकर रवाना होना, इसमें 500 साल भी निकल सकते हैं और हम महंगे नहीं खड़े रह सकते। यानी ये जो हमारा मार्ग है, ये अध्यात्म का मार्ग है, भक्ति का मार्ग है, ये खाली एक औपचारिकता नहीं है। यदि हम इसको एक औपचारिकता बना करके यदि हम अपने जीवन में स्थान देंगे तो निश्चित है कि हमको जो परिणाम मिलना चाहिए, भक्ति के मार्ग में हमको जितना आगे बढ़ना चाहिए उतना आगे हम नहीं बढ़ सकते, और ऐसा हम महसूस नहीं करते। तो सवाल ये है कि क्या, प्रश्न ये है कि अपने को क्या करना चाहिए। तो इसका उत्तर तो ये है कि हम प्रभु को जाने, प्रभु को जानना संभव नहीं है, परमात्मा को जानना संभव नहीं है। गोपाल प्रभु ने फरमाया था कि जो हो तुमने बता दो कि भगवान इन्हें कोई जाने सकते नहीं, लेकिन जाने तुम्हें जाने तो ये भगवान है। यदि आपने जान लिया भगवान तो वो भी भगवान थे। कृपालु महाराज ने भी कहा है कि स्वयं भगवान अनंत काल तक समझाए कि वो क्या है, स्वयं भगवान खुद भगवान अनंत काल तक समझाए कि वो क्या है तो भी वो नहीं समझा सकता, स्वयं भगवान भी नहीं समझा। तो भगवान को समझना नहीं, भगवान को जानना नहीं, भगवान को मानना, भगवान से प्रेम करना, भगवान के भाव में भीगना, भगवान के भाव में हम यदि निरंतर भीगते रहें, भगवान के भाव में हम निरंतर यदि डूबते रहें और हमारी आँखों से बहते हुए अश्रुगण भगवान के श्री चरणों का प्रक्षालन करते रहें तो वह भक्ति सच्ची और वही भक्ति। बाकी सब तो ठीक है, ये हार फूल और ये सजावट और ये सब कुछ लाइट और वो ये सब ठीक है, कोई ये उत्साह की बात है, एक आनंद की बात है, अपने 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 आनंद को अपन अभिव्यक्त करना चाहते हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें सब अच्छी कर रही है। लेकिन मूल चीज़ ये है कि भगवान के प्रति अपने भाव में उत्तर वृद्धि होना चाहिए। आपके तन तन के तारों रेशे रेशे रोम रोम को उसके प्रेम से ओत प्रोत कर लो। आपके तन के तार तार को रेशे रेशे
उनके प्रेम से ओतप्रोत करना, भ्रमर बनकर सदगुरु पुष्प के चारों ओर प्रेम से गुंजार करो, भ्रमर बनकर सदगुरु पुष्प के चारों ओर प्रेम से गुंजार करो। सदगुरु ऊर्जा से अपने को इतना भर लीजिए कि आपकी हर सांस के साथ सदगुरु प्रेम के वाइब्रेशंस संसार के कण कण में अणु अणु में पहुंच जाते। तब दुनिया कहेगी, जब आपकी हर सांस से सदगुरु प्रेम के वाइब्रेशन संसार के कण कण अणु अणु में पहुंच जाएंगे, तब दुनिया कहेगी कि वास्तव में आपने सदगुरु को दीपाया है। ऐसा सदगुरु के प्रति प्रेम करना ही सदगुरु को दीपाना है। सदगुरु को दीपाने के लिए बड़े बड़े मंदिर बनाना, बड़े बड़े कटाउट्स लगाना, ये सदगुरु दीपाने के लिए आवश्यक नहीं है, वो आवश्यक पर आवश्यक नहीं है। लेकिन सच्ची बात तो ये है कि हमें इतना प्रेम से प्रभु के प्रति स्वयं भगवान ने कहा, ये प्रभु के वचन, भगवान के वचन के आधार पर मैं कह रहा हूँ कि भगवान को ना आपका ज्ञान चाहिए, भगवान को ना आपका ज्ञान चाहिए, न शास्त्र चाहिए, न शब्दों का शोर चाहिए, उसे तो आपके प्रेम से ओतप्रोत दो आंसू की बूंदें हैं। ये स्वयं प्रभु के वचन, घनश्याम प्रभु ने फरमाया, उसको मैंने थोड़ा बहुत बदला है, लेकिन ये भगवान के वचन। तो यदि हम सचमुच में प्रभु की भक्ति करना चाहते हैं, प्रभु को दीपाना चाहते हैं, तो हमें प्रभु के प्रेम से ओतप्रोत होना पड़ेगा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ये हो जो जान मेरा। भगवान को सिर्फ प्रेम चाहिए, और प्रेम के अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहिए। आपके शास्त्र श्रृंगार नहीं चाहिए, आपके दीप नहीं चाहिए, आपकी प्रसादें प्रसाद नहीं चाहिए, आपके श्रृंगार नहीं चाहिए, आपके राग नहीं चाहिए, उसको तो प्रेम चाहिए, उसको केवल प्रेम चाहिए। और यदि आपने भगवान को प्रेम दिया तो भगवान भी आपको प्रेम देने में कोई कसर नहीं करेगा। श्री प्रभु के वचनों को मैं आपके सामने दोहरा रहा हूँ, रणछोड़ भाई जिन पीड़ा वाले वालों को ये वचन भगवान ने कहे, अरे रणछोड़, भगवान तो भक्तों ने कोई दिवस नहीं भूलते, भक्तों ने जारे भूले छे भक्त भूले छे, हूँ मारा भक्तों ने त्रिपुंडनी जेम मारा मस्तक पर धारण कर, हूँ मारा भक्तों ने त्रिपुंडनी जेम मारा मस्तक पर धारण कर। अरे भाई, भक्तों ने अहरनिश याद करवा सिवाय मारे बिजू काम है। भगवान के लिए तो भक्त को प्रेम करना ही ऑल टाइम बिजनेस, ऑल टाइम वर्क है, ऑल टाइम प्रोफेशन। वो तो जन्म ही भक्तों को प्रेम करने के लिए, लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि हमको भी प्रभु प्रेम में डूबना पड़ेगा, हमको भी प्रभु प्रेम से ओतप्रोत होना पड़ेगा। जब हम प्रेम से भर करके प्रभु का पूजन अर्चन करेंगे तो भगवान तो इतनी चैतन्य सत्ता है,
उससे बढ़कर के चैतन्य सत्ता धर्म तो उनका रिस्पांस तो हमको 500% मिलना ही, उसमें कोई कमी नहीं होती। लेकिन यदि प्रेम से बढ़कर के यदि हम कोई भी कार्य करें तो प्रभु का रिस्पांस तो हमको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन निर्जीव बना निर्जीव वस्तुएं निर्जीव चीजों का भी जबरदस्त रिस्पांस हमको मिल सकता है। प्रेम की शक्ति, प्रेम की ताकत। एक उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूँ और ये उदाहरण जो है सुना हुआ नहीं है, मेरा प्रत्यक्ष मेरी आंखों से देखा, मैंने देखा मेरी आंखों और ये मैं आपके सामने। तो निर्जीव तक जो निर्जीव है वो भी आपके प्रेम का जबरदस्त प्रत्युत्तर देता है। तो जो संसार की सर्वाधिक चैतन्य सत्ता है वो तो रिस्पॉन्स देगी ही देगी, उसके रिस्पॉन्स में तो कोई शक शुभा की बातें नहीं। प्रभु से प्रेम व उनका निरंतर स्मरण निर्जीव को भी चैतन्य करने की क्षमता रखता है। प्रभु से प्रेम व उनका निरंतर स्मरण निर्जीव को भी चैतन्य करने की क्षमता रखता है। कस्तूरबा नगर इंदौर में योगानंद जी का आश्रम है, वहां पर क्या हुआ कि योगानंद जी के भी कुछ कुछ पढ़ चुके थे, एक बड़ी भारी पुस्तक है गीता के ऊपर, लॉर्ड स्पीक्स टू अर्जुन, वो बड़ी भारी किताब है लॉर्ड स्पीक्स टू अर्जुन। तो कस्तूरबा नगर में जो योगानंद जी का आश्रम है वहां पर वो बड़ी भारी किताब है, करीब 1000 पेज की किताब है, उसका नॉन स्टॉप रीडिंग वहां के भक्त के नॉन स्टॉप। तो वहां के वाइब्रेशन इतने प्राणवान और इतने सजीव और इतने स्ट्रांग और इतने तेज हो गए उस कारण से कि वहां जो लॉन था, ये कमरा पास में लॉन था, तो लॉन में ऑटोमेटिक घास की बोम किया करती थी ऑटोमेटिक, वो उन्होंने 2-4-5 रोज शायद लगा दिया, उनको 5 रोज में ऑटोमेटिक लोन के ऊपर घास की बोम की आकृति बन करके उभरी। और मैंने स्वयं मैं जब गया वहाँ प्रशासन में तो वो थोड़ा मिटने लग गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने बताया कि आपने देखी यहाँ पर उनकी आकृति बनी थी और अभी भी उनकी आकृति कुछ शेष थी, और मैंने देखा कि बराबर उनकी आकृति। तो आध्यात्मिक वाइब्रेशंस जो होते हैं जो कि इस प्रकार के स्थानों से उस प्रकार के अपने अपन मिलकर के भक्तिभाव से भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, तो वहाँ पर इस प्रकार के वाइब्रेशंस का निर्माण होता है। तो धरती माता चैतन्यता की लहरों से ना उठेगी, धरती माता से नहीं सर ना उठी तो क्या हम आध्यात्मिक प्रकंपनों से प्रभावित नहीं होंगे? धरती माता प्रभावित, धरती माता तो क्या हम पर हमारा वातावरण आध्यात्मिक प्रकंपनों से प्रभावित नहीं होगा, आध्यात्मिक वाइब्रेशन से प्रभावित नहीं। प्रेम पूर्वक प्रभु का स्मरण करके तो देखते इस प्रकार के प्रकंपन बनते हैं कि नहीं बनते हैं, और हम आश्चर्य से देखेंगे कि ये प्रकंपन कितना बड़ा बने का नियम। तो कहने का मतलब ये था कि न आपको अश्रु न गलम न गला रुदा हुआ न रोमांच क्या करूँ। नारद की तरह नारायण नाम तीनों लोगों में गूंज जाए, नारायण नारद की तरह नारायण का नाम तीनों लोगों में गूंज जाए,
इतने प्रेम से, इतने आदर से, इतने भाव से यदि हम भगवान का स्मरण करेंगे तो भगवान की तरफ से हमें निश्चित रूप से कुछ न कुछ उत्तर तो मिलेगा। यद्यपि मेरे को इस प्रकार का उत्तर नहीं मिल पाया, इसलिए नहीं मिल पाया कि मैंने जैसा स्मरण मैं बता रहा हूँ वैसा स्मरण शायद मैं नहीं कर पाया, इसलिए मुझे उत्तर नहीं मिला। लेकिन जो इस प्रकार का स्मरण करेंगे निश्चित बात है कि उनको जबरदस्त प्रत्युत्तर, निश्चित प्रत्युत्तर, सॉलिड प्रत्युत्तर मिलेगा। यदि हम पूरी ईमानदारी से अत्यंत प्रेम से अपने प्रभु का स्मरण करेंगे तो स्वयं प्रभु ने गीता में वचन दिया, स्वयं गीता में भगवान ने वचन दिया कि यदि तुम प्रेम से मेरा स्मरण करोगे तो मैं क्या करूँ, तुम अपनी ड्यूटी करोगे तो मैं अपनी ड्यूटी किस प्रकार से करूँगा, ये भगवान ने गीता में बताया। तेषां सदयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं, जो लोग स्वयं भगवान ने गीता में वचन दिया कि तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं, जो मेरे से सतत जुड़े हुए हैं, जो मेरे से सतत कनेक्टेड जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड जिनकी ओर मेरी कनेक्टिविटी बिल्कुल निसंदेह है, संदेह से परे सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं, और वो प्रीतिपूर्वक यदि मेरा भजन करते हैं तो ददामि बुद्धि योगम ते, तो मैं उनको ऐसी बुद्धि प्रदान करूंगा, तो मैं उनको ऐसी बुद्धि प्रदान करूंगा, कैसी बुद्धि प्रदान करूंगा, ये न माप यान्ति ते, जिससे वो मुझे प्राप्त, जो सतत मेरे से संयुक्त है, जो प्रीतिपूर्वक मेरा भजन करते हैं उनको मैं ऐसी बुद्धि प्रदान करता हूँ कि वे मुझे प्राप्त करें। तो भगवान स्वयं हमको उनको प्राप्त करने की बुद्धि प्रदान करेंगे, कब, यदि हम अपनी कनेक्टिविटी उनसे स्टैब्लिश कर लें, हम उनसे बराबर जुड़ जाएं और हमेशा प्रेम से उनका स्मरण, तो वो हमें ऐसी बुद्धि प्रदान करेंगे कि वे जो है हम उनको प्राप्त करें। लेकिन अब होता क्या है कि हम भगवान के पास जाते जरूर हैं, भगवान को हाथ भी जोड़ते हैं, भगवान को हार भी चढ़ाते हैं, भगवान के प्रति प्रेम का भाव भी प्रकट करते हैं, लेकिन मांगते क्या है उनसे कि भाई हमारे बच्चे की शादी नहीं हुई, कुछ भी करके बच्चे की शादी करना, हमारा मुकदमा चल रहा है कोर्ट में, वो इसको किसी तरह से आप पा रहे हैं, धन दौलत गाड़ी बंगले वगैरह, ये चीज़ें हम मांगते हैं। आज तक भगवान के पास जाकर के ऐसे बहुत कम लोग होंगे, हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हों, मैं तो शायद उसमें अपने आप को नहीं गिनूंगा, कि भगवान के पास जाकर के भगवान को मांगे कि भगवान हमको तो बस आप चाहिए, आपके अलावा कुछ नहीं, बस हमको तो आप, ऐसा यदि हम भगवान के प्रति प्रेम रखेंगे तो फिर भगवान तो निहाल निहाल हो जाएंगे, भगवान तो गाढ़े गाढ़े हो जाएंगे। यदि हम इतना प्रेम उनके प्रति, मेरी हसरतों की हिमाकत तो देखो, मेरी हसरतों की
दिमागत तो देखो, मेरी हसरतों की गड़बड़ी तो देखो, मेरी हसरतों की दिमागत तो देखो। सब कुछ मांग लिया मालिक, सब कुछ मांग लिया मालिक तुझसे, तेरे से, तेरे से, तेरे से। सब कुछ मांग लिया मालिक तुझसे, तेरे से। तू तो ठीक है यहाँ बैठा है, कोई बात नहीं। आप पिता को इतनी कोई खास जरूरत नहीं। सब कुछ मांग लिया तुझसे मालिक, तेरे से। तो भगवान से भगवान को मांगने का प्रेम पैदा किया। कितना प्रेम, सब संसार में बैठे हैं हम, संसार में हैं और हमारी जरूरतें आवश्यकताएं क्या सब उनको हमें अटेंड करना है। लेकिन भगवान के, भगवान को टॉप पर रखना। हमारी जो टॉपमोस्ट प्रायोरिटी, हमें सबसे ऊंची पसंद जो होना चाहिए वो प्रभु होना चाहिए और प्रभु के पास सब कुछ। तो ऐसा यदि हम करें कि भगवान से भगवान को मांगे तो फिर भगवान बहुत प्रसन्न होता है, भगवान को बहुत अच्छा लगता है कि भाई देखो इसने मुझे मांगा। तो इसलिए कहा है कि आपको सब कुछ मिल गया, आपको सब कुछ मिल गया, सारा संसार मिल गया, सारे संसार की दौलत मिल गया, सारे संसार का नाम मिल गया, सारे संसार का यश मिल गया। लेकिन आपको आपकी आत्मा आपको नहीं मिली, आपकी आत्मा नहीं मिली, तो आपको क्या मिला? आप तो खाली के खड़े। जो मिलना था वो तो मिला नहीं, और जो नहीं मिलना था वो आपने देखा। सिकंदर जब हिंदुस्तान आया तो वो तो सिकंदर तो बादशाह था, विश्व विजेता था, तो वो एक हिंदुस्तान में हमारे संत के पास गए, उन्होंने बड़ा नाम सुना उनका, तो के मैं मिलना चाहता हूँ मिलने के, और उनसे मिलकर के बड़े प्रसन्न हुए और कहा कि आप मांग, कुछ मांग लीजिए। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास तो आत्मा की दौलत है, मैं आपसे क्या मांगूं, आप इसे देना ही चाहते हैं तो आप जरा अलग हट जाइए, क्योंकि सूर्य की रोशनी मेरे ऊपर नहीं, इसलिए आप थोड़ा सा अलग हट। तो जिसके पास आत्मा की दौलत हो, जिसके पास अंतर की दौलत हो, वो क्या मांगे और उसको क्या चाहिए। इसलिए अपने भजन में भी कहा गया है कि सदगुरु मारा अंतर्यामी, मारो अंतर नो राज सवार। सदगुरु को यूं ही कहा है कि सदगुरु आप हमारे को, आप तो कल्प वृक्ष हैं, आपसे जो मांगेंगे सब हमको दे देंगे, आप ये दे दीजिए। बोले अंतर की सदगुरु हमारा अंतर्यामी, हमारो अंतर नो राज, हमें अंतर का राज्य प्राप्त करना, अंतर का राज्य प्राप्त करना है अर्थात अपने प्रभु से मिलना, अपने प्रभु को प्राप्त। इसलिए आप लोग बोर तो नहीं हो रहे ज्यादा? अभी तक ऐसा कोई प्रोफेसर नहीं आया। कि हे प्रभु, जो पूरा विश्लेषण करके समझाते, हे प्रभु शांति की खेती से मोन की माटी को, मोन शांति की खेती से मोन की माटी को गहरा और गहरा खोदता रहूं, तब तक खोदता रहूं
जब तक तेरी उपस्थिति का झरना न फूट पड़े। हे प्रभु, शांति की गिनती से मोर की माटी गहरा और गहरा खोदता रहूं, तब तक खोदता रहूं जब तक तेरी उपस्थिति का झरना न फूट। और मैं पूरी तरह तुझ में नहाने और पूरा का पूरा तेरे आनंद और आशीर्वाद से गिरा हो जाए। ओम शांति देवास। मोर की माटी को शांति की गेदी से होते हुए प्रभु दर्शन के घर में अपने स्नान करके हो जाए तो देखता है। इसलिए देखिए, अंतर की सत्ता को हमारे ऋषिकुल साहित्य में बहुत महत्व दिया। हमने शायद इतना ध्यान नहीं दिया। जैसे मैंने एक उदाहरण आपको दिया था, संकुल मारा कल्याण मारा बड़े बाप जी के वचन, ये तो भजन की बात है। बड़े बाप जी के वचन देखिए, जो लोग अंतर में रहने वाले श्रेष्ठता को स्वीकार करते हैं, जो लोग अंतर में रहने वाली श्रेष्ठता को स्वीकार करते हैं, अंतर में उतरने की इच्छा करते हैं और बाहर का त्याग करते हैं वे जो अंतर में उतरने की इच्छा करते हैं, अंतर की श्रेष्ठता को समझते हैं और बाहर का त्याग करते हैं। अब ये बाहर का त्याग बहुत महत्वपूर्ण है ना, बाहर का क्या करते हैं वे धन्य। इस समय में गोपाल प्रभु के जीवन का एक प्रसंग मैं आपको सुनाता हूँ। ये हेमंदिर से मेरे को मिला था ये प्रसंग। अब अंतर की बात चल रही है, अंतर सत्ता मतलब प्रभु, अंतर समझ लीजिए भगवान। अंतर और भगवान में कोई, हमारे अंतर में जो बैठा है वो परमात्मा है, वो सदगुरु नहीं है। तो अंतर और परमात्मा में, अंतर और सदगुरु में कोई अंतर नहीं। तो एक प्रसंग आपने कि पूजन चल रहा था भरूच में, तो घनश्याम प्रभु के चरण में गोपाल प्रभु के दर्शन गुलाब बाबा और दूसरे भक्त पूजन कर रहे थे, तो घनश्याम प्रभु के चरण में गोपाल प्रभु के दर्शन, तो गोपाल के दर्शन थे, तो एक वरिष्ठ भक्त थे उनको कहा जाओ गोपाल ने बोला, जाओ गोपाल ने जो अपने भगवान ना चरण में गोपाल ना दर्शन। तो वो गए गोपाल प्रभु किचन में कुछ काम कर रहे। अब वो भक्त जो हैं ये कहने के लिए आप पधारो, आपको बुला रहे हैं वहाँ पर, इस प्रकार से भगवान के चरण में आपके दर्शन हो रहे, आप पधारो ये कहना चाहिए। लेकिन वो काम में इस प्रकार से लगे हुए थे कि उन्होंने मौका ही नहीं दिया उसको। बोल नहीं पाए, वो कुछ इस प्रकार है दूसरी बात शुरू कर दी, कुछ भी बात शुरू कर दी गोपाल प्रभु ने, और उनको बोलने का अवसर नहीं, और काम समाप्त करके के चलो अपने आरती पे। तो उनको बोलने का अवसर मिले इसके पहले गोपाल प्रभु ने कहा चलो अपने आरती पे, तब वो तो बोल ही नहीं पाए, इस बात को कह ही नहीं पाए। तो अब आरती हुई, आरती होने के बाद में आप जो भरूच जाते होंगे तो आरती के पश्चात सब लोग भगवान के चरण भगवान को प्रणाम करने के लिए। तो संयोग ऐसा हुआ कि वो हमारे जो भक्त थे वो ये भगवान की व्यवस्था थी, तो क्या भगवान की व्यवस्था इस प्रकार की थी कि वो लास्ट में पहुंचे, आखिर में प्रणाम करने। तो भगवान ने क्या कहा आप देखिए, बहुत मार्मिक वचन है।
होते तो प्रणाम कर रहे हैं भक्त, और भगवान ने कहा आ तो खोरियो छ आपने तो अंतर की ओरखण कर दी छे, आ तो खोरियो छ आपने अंतर की ओरखण कर दी छे। आप सोचिए भगवान ने अपने स्वरूप को अंदर की ओरखण से पीछे कर दिया कि ये तो खोरिया है, ये तो शरीर है, इसको मत पकड़ो, अंतर की ओरखण करो, आपने तो अंतर की ओरखण। तो अपने स्वयं उनके स्वरूप को भी उन्होंने कहा कि इसका इतना महत्व नहीं है जितना अंतर की ओरखण करना, क्योंकि साक्षात परमात्मा तो अंतर है। आप मेरे शरीर से कनेक्ट हो जाओगे तो मेरे से कनेक्ट नहीं होगा, मेरे अंदर से कनेक्ट होगे तो ही आप वही भक्ति। मेरा अंतर यदि परमात्मा के अंदर से जुड़ जाता है तो वो भक्ति। तो ये बड़ा मार्मिक प्रसंग है, यानी इस प्रश्न में अपने स्वरूप को भी कहा कि ये इसका इसके पीछे मत पड़ो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, अंत आपने तो अध्ययन हो गया। अब मैं एक दूसरा प्रसंग आपको सुनाना चाहता हूँ, यदि आप लोग एक दूसरा देखिए, बहुत वो भी बहुत अच्छा प्रसंग है। योगानंद जी की शिष्य की दया माता ने योगानंद जी के जाने के बाद पूरा जो वर्ल्ड का जो कॉन्फ्लिक्ट था योगानंद जी का योग का, उसकी वो अध्यक्ष भी थी, और उन्होंने वर्षों तक जो है योगानंद जी का जो उनकी जो संस्था है उसको संभाला। तो योगानंद जी की शिक्षा योगानंद जी के गुरु युक्तेश्वर जी और युक्तेश्वर जी के गुरु श्यामाचरण जी लहरी महाशय और उनके गुरु महावतार बाबा। अब महावतार बाबा के बारे में ऐसा है कि वो एज जैसे उनका कोई उम्र नहीं, वो हजारों वर्षों से रहे हैं और जब आवश्यकता होती है तो वो आ जाते हैं। योगानंद जी को भी प्रयाग में जो महापुरुष था उस समय योगानंद जी से उनकी मुलाकात हुई, और क्रिया योग जो योगानंद जी ने सिखाया है, यानी आत्म साक्षात्कार करने की जो परम विद्या है क्रिया योग, तो महोदय बाबा ने इनको सिखाया। तो इनके कोई हिमालय में बहुत दूर गुफा है और ऐसी भी कोई पहुंच ही नहीं सकती इस प्रकार की। तो दया माता ने, क्योंकि अब श्रद्धा तो है कि अपने महावतार बाबा की गुफा है तो उसके दर्शन करना चाहिए, तो सारे संगठन उसके अमेरिकन लेडी थी तो अमेरिका से आई, अमेरिका से आकर के लाड़ी महाशय की गुफा के दर्शन लोड करके एक गेस्ट हाउस में वो रुकी। तो गेस्ट हाउस में उनको नींद नहीं आ रही थी, तो उन्होंने वो ध्यान में बैठे कि नींद तो आई थी, वो ध्यान में बैठे तो उनको सुनहरे प्रकाश के दर्शन थे, और बाबा जी के दर्शन, और बाबा जी ने उनको क्या कहा, ये खास बात इस बात पर मैं आपको लाना चाहता हूँ कि बाबा जी ने उनको क्या कहा, मेरे बच्चे जान लो कि मेरे भक्तों को इस स्थान पर आकर मुझे ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। मदर बाबा ने कहा, मेरे बच्चे जान लो
चार भीतर की यात्रा, ठीक है, अपना पॉइंट जो है बार बार आ रहा है और चारों तरफ चल रहा है कि जो कोई गहन भक्ति के साथ भीतर की यात्रा करता है और दिल से पुकारता है उसे मेरा जवाब अवश्य प्राप्त। एक अंतर का एक बार फिर पढ़ता हूँ, मेरे बच्चे जान लो कि मेरे भक्तों को इस स्थान पर आकर मुझे ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। बाहर को छोड़ो, बाहर का त्याग करते हैं, अपने बातचीत बड़े बातचीत करना है कि जो बाहर का त्याग करते हैं उसके देखिए कितने प्रमाण मिल रहे हैं। गोपाल प्रभु ने कहा था कि कोरियो छे इसके पीछे क्यों पड़े हो, ये तो बाहरी चीज है। महादेव बाबा कह रहे हैं कि मेरे को यहाँ आकर के ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। जो कोई गहन भक्ति के साथ भीतर की यात्रा करता है और दिल से पुकारता है उसे मेरा जवाब अवश्य प्राप्त। देखिए भगवान ने जो वचन प्रमाण है बड़े बात उसके प्रमाण हमको चारों तरफ से, और इसका ये साइड में जो भगवान के जो दो चित्र लगे हुए वो सबसे बड़ा प्रमाण तो वो दो चित्र है भगवान के। भगवान अंतर विमुख है, इन दोनों चित्रों में भगवान की दृष्टि बाहर नहीं है, भगवान की दृष्टि अंतर है, अंतर विमुख, अंतर विमुख चित्र है भगवान। और घनश्याम प्रभु के बारे में लोग बताते हैं, कहते हैं कि वे अक्सर ध्यानस्थ थे, अक्सर ध्यानस्थ थे, अंतर्मुखी थे, अंतर में ही उनका निवास था, उनका घर अंतर था, बाहर नहीं, बाहर वाला घर में वो नहीं, वो अंतर वाले घर नहीं थे। हाँ, कई बार तो इसलिए अब उनको ये मान जो बताया भगवान ने बताया, सब महापुरुषों ने बताया, ये इतना आसान तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी तरफ हमको कदम बढ़ाने की कोशिश करनी है। और इसकी तरफ कदम बढ़ाने की कोशिश करने का क्या तरीका है इसके बारे में मैं आपसे ये नहीं, देखिए मेरे को कोई अनुभव नहीं है ये सब, मैंने तो इधर उधर से पढ़ करके मेरे जिज्ञासा से मैंने सब जो है चीज समझी है। आप ऐसा मत समझना कि मैं बहुत बड़ा अनुभवी हूँ और मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ, सवाल ही मेरे पास ज्ञान नहीं है, मैं ज्ञान दे नहीं सकता, ज्ञान देने की बात नहीं है, लेकिन जो अच्छी चीज़ें अपने को सत्संग से प्राप्त हुई है उसको मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। तो भक्ति हमको करना है, भगवान की भक्ति करनी है तो क्या करना पड़ेगा कि हमें अंतर विमुख होना पड़ेगा, अंतर को खाली करना पड़ेगा। और अंतर को खाली जब हम कर देंगे मतलब हमारे विचार, हमारे अंतर में जो विचारों का महासागर बह रहा है उसको धीरे 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 सुखाना पड़ेगा। विचार संकल्प विकल्प चार अचार नफरत प्यार प्रेम संकल्प विकल्प दुनिया भर की चीज़ों का महासागर हमारे अंदर लहरा रहा है, उस महासागर को खाली करना पड़ेगा। और उस महासागर को जब हम खाली करेंगे तो भगवान का हमारे अंदर तभी। इस संबंध में एक प्रसंग मैं आपको सुनाता हूँ। आनंद जो है भगवान बुद्ध के परम शिष्य, परम भगवान बुद्ध और आनंद का नाम शांति है। तो भगवान बुद्ध काफी
मेच्योर उम्र में, काफ़ी लंबी उम्र में उनके प्रयाण का समय हो, देह त्याग का समय आया, वो देह त्यागने के लिए तैयार थे भगवान जी, तो आनंद ढूंढने लगे कि 45 साल से मेरे साथ में था, रो रहा तो तेरे 45 साल क्या किया जो अब रो रहा, और अब तो मैं जा रहा, तो फिर प्रभु ने 45 साल आपके साथ खाए, लेकिन इस 45 साल की उम्र में मैं जो मेरे अंतर के अंदर मेरे अंदर जो संकल्प विकल्प और दुनिया भर की चीजें, इससे मैं पूरा खाली कभी नहीं हुआ, मैं खाली नहीं हुआ। जब मैं खाली नहीं हुआ तो आपका मेरे अंदर पदार्पण, तो मैं 45 साल से आपके साथ था, मैं खाली नहीं हो सका, मैं बिल्कुल रिक्त नहीं हो सका, और आपका मेरे अंदर पदार्पण, इसका मुझे बड़ा दुख है, और मैं इसलिए। तो देखिए इतनी बड़ी बात है, आनंद आनंद की जब ये स्थिति है तो हम तो क्या स्थिति होगी, ये जरा समझने की बात है। ये जो हमारे अंतर के अंदर जो संकल्प है, विकल्प है, सोच है, विचार है, प्यार है, नफरत है, दुख है, सुख है, दुनिया भर की चीजें हैं, उसके उसमें हमको एक ऐसा ऐसा एक आइसोलेटेड आइलैंड बनना पड़ता है, जिन्हें एक ऐसा इस महासागर के बीच में हमको अपने आप को एक द्वीप बनाना पड़ता है। तो द्वीप के चारों तरफ पानी चलता रहे, करता रहे, और द्वीप बिल्कुल अपने शांत प्रशांत अपने अपने मुकाम पर, अपने स्थान पर व्यवस्थित करता है। ऐसा होने पर भगवान का अवतरण हमारे अंदर, तो खाली होने के लिए एक तो हमें अपने अंदर को जो संकल्प करके उससे खाली करना पड़ेगा, और दूसरा जैसा कि अपने बड़े बाकी ने फरमाया कि बाहर का क्या, बाहर बाहर बहुत आकर्षक है, क्या नहीं है बाहर, गाड़ी है, बंगले हैं, नाम है, यश है, जय जयकार है, सब कुछ, इन सब की सब को छोड़ करके अंदर यदि हम जाएंगे तो, और अंदर को इस प्रकार से बाहर को त्याग करके अंदर को खाली करेंगे तब जाकर भगवान ने हमें कहा। तो अंदर में उतरने के लिए एक शर्त तो ये है कि अंदर को खाली करो ताकि भगवान का पदार्पण हो, और दूसरी शर्त ये है कि बाहर को छोड़ो। बाहर को क्यों छोड़ना, बाहर को छोड़ने की क्या आवश्यकता है, बाहर को छोड़ना इसलिए कि गीता में कहा गया कि ये जो बाहर जो संसार है ना, ये अनित्यम, अनित्य असुखम, सुख नहीं देता है, दुखालयम, दुखद है, अशाश्वतम और शाश्वत। तो ऐसे संसार को पकड़ करके क्या करोगे, कितना भी बड़ा हो, कितना भी आकर्षक हो, कितना भी नाम हो, कितना भी व्यस्त हो, कितना भी धन हो, कितना भी दौलत हो, वो अभी अंबानी जी की हाँ लड़की की शादी, तो सभी का कार्ड इतना बड़ा बॉक्स भगवान गणपति जी को ले जाकर के, तो ये सब क्या क्या हो गया, ठीक है, आपने इतना बड़ा बॉक्स में आपके लड़की की सगाई का कार्ड देख है भगवान को अर्पण करने के लिए, ठीक है आपकी भावना बहुत अच्छी बात, पर ये सब क्या है, ये सब क्या है। रसोई घर में हमारे यहाँ हमारे यहाँ पर रिसेप्शन हुआ, 600 रसोई थे, अरे भैया 600 रसोई क्या 600 गुना खा लिया लोगों ने,
लोगों ने तो खाना होता ही खाया जितना ही उतना चढ़ाएगा। 600 रच गए थे और क्या करो, 600 रच गए। इस बात को गोपाल प्रभु ने बार बार कहा, इस बात को गोपाल प्रभु ने बार बार कहा, मैं गोपाल प्रभु की बात आता हूँ कि ये मुझे ना, मैं दरवाजे में जा रहा था, दरवाजे से मेरे को छोड़ने की बजाय और कुछ बात चल रही थी हमारी चर्चा, तो मेरे को उन्होंने कहा कि संसार तो दुर्रूप छ, संसार तो दुर्रूप छ, ये भगवान है कि संसार तो दुर्रूप छ। और एक लेटर है इसमें सदगुरु पत्र, उसमें दो वाक्य है गोपाल के, आप तो एक भगवान छे, आप तो एक भगवान छे, और दूसरा आ संसार में कोई कोई नहीं, आ संसार में कोई कोई नहीं, आ संसार में कोई कोई नहीं, कोई किसी का, ये गोपाल प्रभु के वचन। तो हमें मन को संसार से भक्ति करना है तो मन को संसार से हटाना है, मन को यदि हमने संसार में लगाया तो हमें वो बंधन होगा, वो बंधन होगी, और मन को यदि हमने भगवान, मन वही मन, वही मन यदि उसको हमने भगवान में लगा दिया तो हम मोक्ष के मार्ग, मन दोनों काम कर सकता है, मन की दोनों क्षमता। यदि आप उसको संसार में लगाओगे तो आप उलझ गए, उलझते जाओगे, उलझते जाओगे, आखिरी क्षण तक उलझे रहोगे, उसको बुलाओ, उसको बुलाओ, उसको नहीं देखा, उसको नहीं देखा, उसको लाओ, उसको लाओ, मरते जमते संसार आपको नहीं छोड़ा। और यदि आपने भगवान में लगा दिया तो मन आपको मोक्ष के मार्ग पर, तो मन दोनों काम करता है, बंधन भी, बंधन भी खड़े करता है और बंधन को तोड़ता है, दोनों काम। यदि भगवान की तरफ आपने लगा दिया मन को तो बराबर वो आपके बंधन तोड़ने का काम करेगा। इस संबंध में जी संसार में ही उसी को किसी को, हाँ हाँ तो ठीक है ना, उसको हाँ हाँ तो ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखिए आपने परमात्मा में लगा दिया अपने मन को, आपने संसार में हर जगह उसकी उसको जहाँ देखा उसको देखा, तो आपका मन परमात्मा में लग गया, तो ये मन आपको आपको दिक्कत नहीं देगा, ये आपको मोक्ष के मार्ग पर ले जाएगा बराबर, ये आपको भक्ति के मार्ग पर ले जाएगा बराबर। अब मैं बताऊँ आपको, देखिए कि नहीं जरा सुनने में आपको बहुत अच्छा लगेगा कि महापुरुष सब महापुरुषों का चिंतन एक ही होता है, ऐसा नहीं है कि महापुरुष और महापुरुष में अंतर है। आप देखो मैंने आपको बताया, मैंने महावदा बाबा की बात करी और बड़े बाबा जी की बात करी और देखा जाए आप कितने समान हैं, तो महापुरुषों का चिंतन यही जैसे ही होगा। ओशो ने संसार निवारण किया था, आप बड़ा बड़ा सुंदर आप सुनिए, ओशो ने संसार पराजय की लंबी कथा है, सुनिए बहुत जोरदार है, संसार पराजय की लंबी, हमने बिल्डिंग बना लिया, हमने शादियाँ कर ली, हमारा ये है, हमारा पुराना है, हमका ये और बहुत है, बहुत सब लेकिन संसार पराजय की लंबी कथा है, यहाँ जीत होती नहीं, यहाँ जीत होती नहीं, यहाँ जीत हो ही नहीं सकती, यहाँ जीत हो ही नहीं सकती, ये संसार का स्वभाव नहीं है, आपको जितने देर ये संसार का स्वभाव नहीं है।
हार ही मिलती है। जब सिकंदर अंतिम यात्रा निकली तो उन्होंने ये कहा था कि मेरे हाथ खाली हाथ संसार का विश्व विजय का सम्राट, उसने कहा कि मेरे अंतिम यात्रा में मेरे दोनों हाथ खाली निकाल करके रखते थे ताकि दुनिया देख सके कि मैं दुनिया का सम्राट, दुनिया को जीतने वाला खाली हाथ। तो हार संसार की नीति है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। यहाँ हार ही नीति है, संसार में होने की नीति ही हार है। यहाँ हारना ही होगा, यहाँ कोई जीत नहीं सकता। तो ये संसार और इस संसार, इसीलिए बाहर का त्याग, बाहर का त्याग करने का भगवान ने इसीलिए कि अंदर 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 के प्रति आकर्षण पैदा करो, अंदर के प्रति आकर्षण पैदा करो, अंदर के प्रति प्रेम पैदा करो, परमात्मा के प्रति प्रेम पैदा करो। और संसार, जितना आप संसार से दूर जाएंगे उतना आप परमात्मा के प्रति, संसार से दूर नहीं जाना पड़ेगा। आप जैसे ही परमात्मा के निकट गए कि ऑटोमेटिक आप परमात्मा के पास, परमात्मा संसार से दूर नहीं होना पड़ेगा, परमात्मा के निकट गए कि आपका संसार दूर हो गया, ऑटोमेटिक आपको दूर होने की कोशिश नहीं करना पड़ेगी। अब देखिए महापुरुषों की बात चल रही है, अब रतलाम के पास में धोसवा से आपने देखा होगा और वहाँ पर नित्यानंद जी का मूल आश्रम, नित्यानंद बाबू जी का, नित्यानंद बाबू जी का मूल आश्रम, वहाँ पर उन्होंने उनके वचन भी कहे नित्यानंद बाबू, वो मैं आपको सुनाता हूँ, सुनिए देखिए कि आत्म वस्तु त्यागे त्यागी करे जगत की आस, आत्म वस्तु त्यागी करे जगत की आस, मृग तृष्णा के नीर से दूर न होवे प्यास, वस्तु अनात्म में फंसे, वस्तु अनात्म में फंसे त्यागा आत्म रूप, दुनिया में भटकता फिरे, दुनिया में भटकता फिरे ते मूढ़ता के भू, मूढ़ता के राजा। यदि आप दुनिया में भटकते फिरे हो तो आप मूढ़ता के बादशाह। तो ये जो ये नित्यानंद बाबू जी के वचन, उन्होंने कहा भाई संसार को छोड़ो, आत्म रूप को पहचान, मतलब परमात्मा की तरफ जाओ, संसार की तरफ मत जाओ। अब देखिए माँ शारदा ने क्या कहा, गोपाल प्रभु ने क्या कहा मैंने बताया, और ओशो ने क्या कहा मैंने बताया, नित्यानंद बाबू जी ने क्या बताया, संसार के प्रति किस प्रकार के का दृष्टिकोण है महापुरुष। माँ शारदा ने कहा, सुनिए माँ शारदा ने, कि संसार में क्या है मेरे बच्चे, जैसे कहा गोपाल प्रभु ने क्या कहा तो कुछ, तो माँ शारदा ने कहा कि संसार में क्या है मेरे बच्चे, एक ऐसी चीज बता दो जो रखने सहजने और संभालने में से, एक चीज तो बता दो, एक चीज तो बता दो जो रखने सहजने और संभालने में से, ये पांच सवाल है। तो सवाल ये है कि हम देखिए संसार के बारे में महापुरुषों का क्या दृष्टिकोण है, ये तो मैंने आपको सभी महापुरुषों की बातें बता करके बताया, लेकिन अब हमारा क्या दृष्टिकोण है महा संसार के प्रति, ये देखिए क्या हम क्या करते थे, हम संसार में ऐसे उलझे फंसे हैं, हमको चारों तरफ भगवान ही, हमको चारों तरफ संसार, मेरा लड़का, मेरी लड़की, मेरी बहन, मेरा घर, मेरा दुकान, मेरे बैंक बैलेंस, मेरा बंगला, मेरी गाड़ी,
मेरा ये मेरा। अब क्या हो रहा है कि सांसारिक रिश्तों के पीछे जो रिश्तों का शिखर है, जो रिश्तों का विराश है, जो सदगुरु से हमारा रिश्ता है, उस रिश्ते को हम छोड़ और संसार के रिश्तों के पीछे हम। तो हमारे पास अब संसार में हम जो हुए हैं भाई, हम थोड़ा सा लोकल बात पर आ रहा हूँ, माफ करेंगे। तो हम तो संसार में उलझे हुए हैं, सब हम भी उलझे थे, वहाँ सभी उलझे हुए, सबके सब उलझे, और ऐसे उलझे हुए हैं कि हम उस उलझन को, उस उलझन से भी बहुत प्यार है, उस उलझन के बिना हमको अच्छी नहीं लगता, उस उलझन के बिना हम बोर हो जाते। जब फ्रांस में क्रांति हुई थी ना, तो वहाँ के पेजे 20-20 साल से पेजे थे फ्रांस में क्रांति हुई थी, तो वहाँ के जेल को तोड़ करके चल तो आ जाते थे। तो क्या हुआ कि शाम होते होते बहुत सारे पेजे वापस आ गए और हथकड़े आ गए वापस, कह रहे भाई तुमको छोड़ दिया था हथकड़े, तो नहीं हमको तो हथकड़े हमको तो हथकड़े अच्छी लग रही है, तो हमको तो संसार बने, संसार महापुरुष कह रहे हैं कि संसार दुख रूप से ये है वो है, संसार को छोड़ो, बाहर बाहर को छोड़ो, ये करो वो करो, लेकिन हम तो संसार को नहीं, नहीं तो हमको तो इसलिए अब हम संसार के मुद्दे में भी करेंगे, सभी लोग संसार के मुद्दे में, तो मंदिर आने का भी टाइम नहीं निकल पाते, एक दिन काम आ गया चलेगा, दो दिन काम आ गया चलेगा, पर रोज रोज काम आ गया तो कैसे चलेगा, महीनों महीनों काम आ गया तो कैसे चलेगा। तो हम मोक्ष का मार्ग हमको कितना सामने दिख रहा है, घर से दिखता है मोक्ष का मार्ग, जहाँ खड़े जाओ खिड़की में से दिखता, दरवाजे में से दिखता, आते दिखता है, जाते दिखता है मोक्ष का मार्ग, लेकिन हमको मोक्ष का मार्ग नहीं, हमको मोक्ष का मार्ग नहीं, हम तो मूढ़ता के मार्ग को पकड़ लिया, हमको तो संसार का मार्ग, ठीक है संसार का मार्ग तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मोक्ष के मार्ग जो कि सामने दिख रहा है और उसको हम छोड़ करके निकल चल रहे, ये समझ संसार से चिपक कर हम भूल गए कि भगवान ने कहा, भगवान के वचन हम भूल गए, क्या संसार दुख रूप से, आ संसार में कोई कोई लोग नहीं, आ संसार में आप लोग भगवान अच्छा, भगवान के वचन भूल गए, संसार में उलझे हो गए और भगवान के, अरे हाँ भगवान माफी चाहता हूँ, के भक्तों के प्रति मेरे मन में बहुत प्रेम है, बहुत आदर है, मैं उनको खूब खूब प्रणाम करता हूँ, और बावड़ी में भगवान पधारे हैं ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, आप धन्य हैं कि भगवान आपके यहाँ पर पधारे हैं और आपके माध्यम से हमको भगवान के दर्शन करने का और भगवान की सेवा माने का लाभ मिलता है, आप धन्य हैं, आपके प्रति कोई आलोचना वाली दृष्टि मेरी नहीं है, मेरे मन में आपके प्रति बहुत प्रेम है। भगवान द्वारका से बावड़ी आ गए और बावड़ी के भक्तगण न दर्शन को आवे, न भजन में आवे, न आरती में आवे, 200-300 किलोमीटर दूर के भक्त आ गए, 2-3 मिनट दूर के भक्त नहीं आए, अरे ये क्या हो रहा है, अरे भाई इतनी बड़ी दौलत आपके पास है, इतनी बड़ी विरासत आपके पास नहीं है, इतना बड़ा ज्योतिपुंज आपके पास नहीं है, आप चाहो तो सारे संसार में उजाला फैला सकते हो, आप में इतनी ताकत है, इसको इस विरासत को संभाल करके तो देखिए, विवेक भी करके आए, देव भी ये तो करें,
फिर भी यही कोशिश कर रहे हैं कि इस विरासत को आप संभाल लो, ये बहुत बड़ी भारी विरासत और ये अनंत पीढ़ियों तक आप आपका कल्याण करेगी, अनंत पीढ़ियों तक, एक पीढ़ी दो पीढ़ी की बात नहीं। वीर भाई इस बात को समझते समझे हैं कि ये बहुत बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात, और इस बात को बावड़ी के भक्तगण समझे, ये उनकी कोशिश, इसीलिए बार बार वो कोशिश। तो क्या है कि भैया मेरा आपसे ये निवेदन है कि संसार बस आखिरी बात है, आखिरी बात करते हैं कि संसार में तो रहना है, संसार में रहने की बात को जो नकार रहा है उसको बापरी ने उसको स्वीकार नहीं कि संसार को छोड़ना ये होगा, मैं स्वीकार नहीं। संसार में रहना है, संसार के काम करना है, संसार की जिंदगी गुजारना है और फिर भी संसार को छोड़ना, संसार में रहकर संसार को छोड़ना, तो संसार में रहकर संसार को छोड़ना, उस जो ऋषिकुल का एक अन्य जो मार्ग है, ऋषिकुल की खास पहचान है, इसको हम अंतर वैराग्य कह सकते हैं, अंतर संन्यास कह सकते हैं, अंतर त्याग कह सकते हैं। संसार सागर में कूदना है तो कूदो, कूदो, कूदना ही पड़ेगा। आपका बच्चा है तो शादी करना पड़ेगी, दुकानें तो चलाना पड़ेगी, नौकरी है तो जाना पड़ेगा, दुकान है तो चलाना ही पड़ेगी। संसार में कूदना है तो कूदो, कूदना ही पड़ेगा, उसे बच नहीं सकते। लेकिन वैराग्य संन्यास और त्याग का तेल लगाकर, विराट त्याग और संन्यास का तेल लगा लीजिए, तेल मंजिता त्याग करके भोगो। ये संसार जो है भगवान इस संसार में व्यापक है, संसार में व्याप्त है और इस संसार को त्याग करके इसको शरीर से संसार नहीं छूटेगा। देखो शरीर को पकड़ करके बैठोगे तो संसार नहीं छूटेगा, आत्मा के पास जाओगे, प्रभु के पास जाओगे तो संसार छूटेगा। इसलिए सबके होकर भी किसी के न रहो, सबके रहो पर किसी के न रहो, सबके होकर भी किसी के न रहो, किसी के होकर भी सबके रहो, किसी के न होकर भी सबके रहो, किसी के होकर भी किसी के न रहो, किसी के न होकर भी सबके, मतलब जय कमल वर रहो, लेकिन संसार के डर से आपको अछूते रहना है। तो भैया ये है गुरु की भक्ति का मार्ग, आप पकड़ लो मत छोड़ो, बड़ी भारी विरासत है आपके पास में, बड़ा भारी ज्योति पुंज है आपके पास में, इस ज्योति पुंज को पकड़ लिया, इसको आपने संभाल लिया तो आपके तो अनंत पीढ़ियों तक ज्योति मिलेगी, सारे संसार को भी ज्योति मिलेगी, सारे संसार को भी प्रकाश मिलेगा, सारे संसार को भी शांति मिलेगी, सारे संसार को भी आनंद मिलेगा। ऐसी बड़ी भारी नियामत आपके पास है, इसको आप कभी किसी की पर छोड़ना मत, एक एकदम एकदम तो देखिए कि मास्टरी ने आदेश दिया है, मास्टरी का आदेश कि सुख होए कि दुख होए आपने तो आनंद मारे, जीव
जीवन के इस घेरे में धूप छाप के इस घेरे में पल भर में मुस्कान मिले तो जीवन के इस घेरे में धूप छाप के इस घेरे में पल भर भी मुस्कान मिले तो ना मतलब आनंद आनंद प्रभु का आदेश है। आनंद प्रभु का आदेश अपने आनंद में रहो मतलब आनंद प्रभु का आदेश आदेश। अब आनंद में रहने का मतलब क्या? यदि आप आनंद में रहना हम आनंद में रहना चाहते हैं आप आनंद में रहना चाहते हैं क्या आनंद प्रभु का आदेश है। यदि इस आदेश का पालन करना है तो आनंद धाम में आना पड़ेगा। आनंद में रहना है प्रभु के आदेश का पालन करना है तो आनंद धाम में आना पड़ेगा। आनंद धाम से दूर दूर से नमस्कार करने से काम नहीं चलेगा। जा रहे हो थोड़ा सा वो घुमा लिया आनंद धाम की तरफ से तो आनंद से जीरोगे नहीं भैया। तो आनंद प्रभु का आदेश ही जिस आदेश का पालन करना है तो आनंद धाम में आना पड़ेगा। प्रभु प्रेम में लीन होना पड़ेगा तभी संसार छूटेगा। संसार छोड़ना कोई हंसी खेल नहीं है। अंतर लोक में आ जाओ प्रभु के पास आ जाओ बाह्य लोग अपने आप छूट जाए। छोड़ना नहीं पड़ता संसार प्रभु के पास आए कि संसार अपने आप संसार उसके दुखों की संसार उसके दुखों को यदि आपको शमशान तक संसार उसके दुखों की युक्तेश्वर जी के वचन है योगानंद जी के गुरु के संसार उसके दुखों की शमशान यात्रा यदि आपको निकलना है तो ईश्वर की शरण और उसके मंदिर की छांव में रोज रोज तो ईश्वर की शरण और उसके मंदिर की छांव में रोज रोज और जितनी देर संभव हो बैठना पड़ेगा। अंधेरे से धुलना है अंधेरा लिपटा हुआ संसार के अंधकार है अंधेरे से धुलना है तो उजाले के झरने में नहाना पड़ेगा। यदि अंधेरे से धुलना है अंधेरे से धुलना है तो उजाले के झरने में नहाना पड़ेगा। मंदिर से ऐसे मत डरिए ये थोड़ी ज्यादा बात माफी चाहता हूँ। अंदर से ऐसे मन डरिए मंदिर से ऐसे मन डरिए जैसे बच्चे अंधेरे से डरते थोड़ी अच्छी चुकी मंदिर से ऐसे मत डरिए जैसे बच्चे अंधेरे से डरते। प्रत्येक घर से एक व्यक्ति आरती और एक व्यक्ति भजन में आने का नियम बनाइए। प्रत्येक घर अब काम कर रहे खेती है बाड़ी है काम ये फसल कट रही ये हो रहा है हो रहा दुनिया भर की दुकान है व्यापार है आना है जाना है पर ये नियम बना लीजिए कि एक घर से एक व्यक्ति रोज आरती में जाए। यदि एक दिन नहीं जा सके तो दूसरे दिन उस घर से दो व्यक्ति आएंगे क्योंकि घर नहीं आए इसलिए आज वो एक घर से एक व्यक्ति नियम अब 10 आदमी हैं 8 आदमी हैं सबके सब दुनिया उनके काम में क्या संसार को तो संभालना है संसार को छोड़ना है तो एक घर से एक व्यक्ति नित्य आरती में आए और नित्य करना आप देखिए क्या आनंद होगा क्या आनंद होगा और क्या इस स्थान की महिमा क्या खिलेगी और इस स्थान का उजाला क्या दुनिया में खिलेगा और यहाँ पर भक्त आकर के कैसे निहाल निहाल महसूस करेंगे उनको लगेगा अब तो साक्षात स्वर्ग में आ गए ऐसे वाइब्रेशंस चेंज होंगे ना। जब आप यदि आगे आप एक्टिव हो जाएंगे तो वाइब्रेशंस अभी भी वाइब्रेशन बहुत तगड़े हैं बहुत 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 पावरफुल है लेकिन जब आप आना शुरू कर देंगे तब वाइब्रेशन के पावर की आप कल्पना कीजिए क्या होगा कैसा होगा आते ऐसे लगे लगे क्या होगा आदमी आदमी को रोमांच हो जाए त्यारे कहाँ गए तो एक घर से एक व्यक्ति आरती एक व्यक्ति भजन में आने का नियम बनाइए। यदि यह कर लिया तो हमारी अनेकों पीढ़ियाँ
ये देखिए मैं भगवान के सामने ये वचन बोल रहा हूँ और मैं भगवान, हो सकता है कि भगवान की प्रेरणा से, भगवान के आदेश से बोल रहा हूँ, इसलिए ये झूठ नहीं हो सकते। यदि यह कर लिया तो हमारी अनेक पीढ़ियाँ सुख शांति से भरकर आपको युगों तक पाएंगे। देर न करें, देर न करें, कहीं देर न हो जाए, देर न करें कहीं देर न जाए, क्योंकि आप तो चला चली की दिशा में, इसलिए देर न करें कहीं देर न हो जाए। यदि आपको फूलों से खिली फूल सी खिली खिली दूध सी धुली धुली प्यार से धुली धुली जिंदगी चाहिए तो प्रभु के दरबार में आकर के आनंद, भगवान को आनंद करवाइए और आप भी आनंद, भगवान रोज आपकी प्रतीक्षा करते, भगवान रोज आपका रास्ता देते, इसीलिए तो आए हैं हम यहाँ। आप नहीं आते हो तो भगवान को अच्छा नहीं लगता, भगवान को बहुत खराब लगता, कह रहे मेरे बच्चे हैं। इसलिए याद रखिए, अंत में मैं तुम्हें आखिरी बात कह रहा हूँ कि तुम्हें पोते शाश्वत प्रकाश छो, आप लोग कोई कम नहीं हो, आप लोगों के दरबार में, आप लोगों के गांव में भगवान स्वयं बना रहे हैं, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं। तुम्हें पोते शाश्वत प्रकाश छो, उज्ज्वल तेजो में छो, पोतानी जात ने प्रकाश भर अने विश्व ने प्रकाशित करवा आया छो। आप तो गोकुल के वासी हैं, आप तो गोपी, गोपी की संस्कृति को जीने वाले हैं। गोपियों ने क्या किया, गो मतलब इंद्रियां, पी मतलब पीना, अपनी इंद्रियों से गोपियों ने परम परम सत्ता को पिया, गोपी गो मतलब इंद्रिया, पी मतलब पीना, परम सत्ता को अपनी इंद्रियों से पीने वाला जो होता है वो गोपी। आप तो गोपी, गोपी क्या आप तो गोपी, तभी छोटे शास्त्र प्रकाश छो, उज्ज्वल तेजो में छो, पोतानी जात ने प्रकाश का अने विश्व ने प्रकाशित करवा आव्या छो। ये उजाला विश्व तक फैलाना है, विश्व के कोने कोने तक पहुंचाना है और ये आपको करना है। तभी पोते शाश्वत प्रकाश छो, उज्ज्वल तेजो में छो, पोतानी जात ने प्रकाश का અને વિશ્વને પ્રકાશિત કરવા આવ્યા છો। જ્યારે તમે આ પૃથ્વીથી વિદાય લો, જ્યારે તમે આ પૃથ્વીથી વિદાય લો ત્યારે પણ તમારી પાછળ એ જ કુંજ મૂકી જજો। જ્યારે તમે આ પૃથ્વીથી વિદાય લો ત્યારે પણ તમારી પાછળ તે જ કુંજ મૂકી જજો, તાકી આને વાળી પીઢિયા ઉસ તેજ મેં નહાતી રહે પર આનંદ કરતી રહે।